दोस्तों राजस्थान जो भारत का एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान में रोज़ाना काफ़ी बड़े संख्या में टूरिज्म का आना जाना रहता है। ये भारत का एक बड़ा टूरिज्म का सेक्टर है दोस्तों। वही यहाँ पर कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट प्लान हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप अंत तक जुड़े रहिए। फर्स्ट प्रोजेक्ट है उदयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों उदयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो काफ़ी पुराना, लगभग 10 साल से एक प्रपोज प्रोजेक्ट है। दोस्तों 2010 में खेलगांव में यहाँ स्टेडियम बनने वाला था, जिसके लिए 9 हेक्टर लैंड भी अलॉट कर दी गई थी, पर वो प्रपोजल 2017 में रिजेक्ट कर दिया गया था। पर अब फाइनली UIT ने वापस एक न्यू प्रपोजल जो खेवा कानपुर में होने वाला है, जो प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया है। वही खेवा कानपुर जो उदयपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव है, वही यह 22 हेक्टर लैंड पर यह स्टेडियम बनाया जाने वाला है, जहाँ की 11.5 हेक्टर लैंड ये स्टेडियम के लिए होगी और बाकी 10.5 हेक्टर लैंड ये रोड पार्किंग के लिए होने वाली है। इस स्टेडियम का टोटल बजट ये 200 करोड़ है। ये स्टेडियम राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और जिसकी कैपेसिटी 35,000 व्यूवर्स की होने वाली है, जहाँ उदयपुर के क्रिकेट फैंस ये इंटरनेशनल मैचेस और IPL मैचेस एंजॉय कर पाएंगे। सेकेंड प्रोजेक्ट है दिल्ली अलवर RRTS कॉरिडोर। दोस्तों दिल्ली अलवर RRTS कॉरिडोर ये हरियाणा और राजस्थान के इंडस्ट्रियल एरिया से पास होने वाला है और अलवर राजस्थान तक होने वाला है। ये लाइन सराई काले खान से स्टार्ट होकर आगे मुनिरका और एरो सिटी और गुरुग्राम से लेकर वेवावी और एट दी एंड अलवर तक होने वाली है। ये लाइन टोटली 164 किलोमीटर की लाइन होने वाली है, जिसमें टोटली 22 स्टेशन कनेक्टेड होने वाले हैं और इस कॉरिडोर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। दोस्तों थर्ड प्रोजेक्ट है मेगा सोलर प्लांट जोधपुर। दोस्तों जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में भादला में 2245 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया गया है। ये प्लांट टोटली 14,000 एकर्स में फैला हुआ है। ये प्लांट भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशनल प्लांट है। दोस्तों इसे राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ओन करती है। वही इसमें काफ़ी प्राइवेट एंटिटीज भी शामिल है। फोर्थ प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है जयपुर मेट्रो एक्सपांशन। दोस्तों राजस्थान में जयपुर मेट्रो ये ऑपरेशनल मेट्रो है। करंटली इसकी पिंक लाइन ये ऑपरेशनल है, जो फेज वन के अंतर्गत आती है। वही पिंक लाइन ये 2015 में ही ऑपरेशनल हो गई थी और अभी फेज टू जो कि ऑरेंज लाइन, जिसका काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 23 किलोमीटर की लाइन होकर इसमें 20 स्टेशन इंक्लूड होने वाले है। ये रूट सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया कनेक्ट करने वाली है, वही नॉर्थ में अंबाबावी को कनेक्ट करने वाली है, जिसे 4,546 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। दोस्तों फिफ्थ मेगा प्रोजेक्ट है ऑयल रिफाइनरी एट बारमेर। दोस्तों राजस्थान के बारमेर डिस्ट्रिक्ट में पंचपंद्रा विलेज के पास राजस्थान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी डेवलप करने का काम चल रहा है। ये एरिया में पेट्रोलियम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए 43,000 करोड़ इन्वेस्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ लगभग 19 कंट्रीज का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसा बोला जा रहा है। अभी दोस्तों सिक्स मेगा प्रोजेक्ट है, जो है उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज मेट्रो। गुजरात के मेजर सिटी अहमदाबाद और लेक सिटी उदयपुर को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अहमदाबाद उदयपुर ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। इसमें ब्रॉडगेज टेक कन्वर्जन किया जाने वाला है, जिसमें फर्स्ट फेज में अहमदाबाद और हिमता नगर ये रूट कंप्लीट हो चुका है। वही हिम्मत नगर टू डूंगरपुर सेकेंड फेज भी कम्प्लीट हो गया है। डूंगरपुर टू उदयपुर ये 2021 के अंत तक, मतलब जल्द ही अभी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, जिससे अहमदाबाद टू उदयपुर की काफ़ी अच्छी रेल कनेक्टिविटी इसे मिलने वाली है। सेवन मेगा प्रोजेक्ट है जयपुर आउटर रिंग रोड। दोस्तों जयपुर को ट्रैफिक कंजक्शन से दूर करने हेतु और कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु यहाँ पर जयपुर आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट लगभग 2011 से इस पर काम स्टार्ट हो चुका था, पर यह प्रोजेक्ट काफ़ी डिले प्रोजेक्ट है। पर अभी NHAI के अंडर आने से इस प्रोजेक्ट का काम काफ़ी फास्ट मोड पर चल रहा है। ये टोटली रिंग रोड 147 किलोमीटर का होने वाला है, जो 6 लेन का बनाया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज जो 27 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट होकर 2019 में ही ऑपरेशनल हो गया था और वही फेज टू
भी कंप्लीट होकर ऑपरेशनल हो चुका है। लगभग 47 किलोमीटर का सेक्शन ये ऑपरेशनल हो चुका है। अभी फेज 3 जो 97 किलोमीटर का सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेज 3 के लिए 3000 करोड़ की लागत आने वाली है ऐसा बोला जा रहा है, और यह फेज 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। एक प्रोजेक्ट है शिवा स्टैचू उदयपुर। दोस्तों उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर पर 351 फीट का शिवा स्टैचू, जिसे 750 वर्कमैन से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। 4 सालों से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और करंटली 85% वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये स्टैचू कंक्रीट, स्टील और कॉपर सीमेंट की मदद से बनाया जा रहा है। ये स्टैचू गणेश टेकवी नाथरवाड़ा में बनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड का 4th टॉलेस्ट स्टैचू होने। 9th प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी मिशन राजस्थान। दोस्तों पूरे भारत में स्मार्ट सिटी मिशन पर काम किया जा रहा है, वही राजस्थान जयपुर ये स्मार्ट सिटी मिशन में एक बेस्ट परफॉर्मर सिटीज़ भी है। वही राजस्थान के दूसरे शहरों को बात की जाए तो कोटा, उदयपुर, अलवर ये शहर इसके अंतर्गत आते हैं। वही उदयपुर में पुराने स्मारकों को बचाने हेतु उसे मेंटेन किया जा रहा है। वही वेस्टर्न मैनेजमेंट, ई व्हीकल ऐसे काफ़ी काम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन राजस्थान इसके कई सिटीज एक बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी हमें फ्यूचर में आते हुए दिखने वाले हैं। दोस्तों 10th प्रोजेक्ट है उदयपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों उदयपुर ये एक टूरिज्म अट्रैक्शन है। वही अभी IRSDC ने उदयपुर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का प्लान रखा है। इस रीडेवलपमेंट के तहत यहाँ पर कई मॉडर्न फैसिलिटीज, एयरपोर्ट जैसी एमिनिटीज प्रोवाइड की जाने वाली है। वही इस स्टेशन को मल्टी मॉडल हब भी बनाया जाने वाला है। इस रीडेवलपमेंट के तहत यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाने वाली है। दोस्तों इस रीडेवलपमेंट की कॉस्ट ये 132 करोड़ बताई जा रही है और नेक्स्ट 3 ईयर में इसकी टाइमलाइन बोली जा रही है। दोस्तों 11th प्रोजेक्ट है राजस्थान लेक इम्प्रूवमेंट। दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के लेक्स को इम्प्रूव करने का प्लान बनाया था, पर वो प्लान की एग्जीक्यूट ना करने की वजह से अब राजस्थान हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को जल्द से जल्द प्लान इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए गए हैं। अभी ये लेक इम्प्रूवमेंट के तहत जैसलमेर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर ये सब डिस्ट्रिक्ट के लेक्स को कंजर्वेशन करके इम्प्रूवमेंट यहाँ किया जाने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सारे प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन डेडलाइन पर कंप्लीट हो और राजस्थान ये काफ़ी अच्छा राज्य भारत का हमें नज़र आए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।